हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज 9.5 क्लास सिक्स स्टेट ट्रू और फॉल्स फर्स्ट स्टेटमेंट है अ रेक्टेंगल इज ऑलवेज अ रोम्बस सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है सो दैट मीन्स चारों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती जबकि जो रोम्बस होती है रोम्बस की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है ऑल्सो रिक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के ही होते हैं जबकि रोम्बस में ऐसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती कि उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के ही होंगे ठीक है सो देअोर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स नेक्स्ट है द डायग्नल्स ऑफ आ रिकटेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स रिक्टेंगल के जो डाइग्नल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं करते ठीक है सो देअर फोर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स थर्ड स्टेटमेंट है अ स्क्वेर इज अ पैरलोग्राम सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अ पैरलोग्राम के केस में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है एंड ऑल्सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरल टू ईच अदर ठीक है सो so, स्क्वायर को हम पैरलोग्राम बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है ठीक है सो so, हम बोल सकते हैं कि जो अपोजिट साइड्स हैं दो साइड्स आर इक्वल इन लेंथ क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड दूसरी चीज़ क्या है कि स्क्वायर के चारों एंगल्स नाइन्टी डिग्री के होते हैं सो so, इसीलिए जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं एक दूसरे के सो देयरफॉर स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम फोर्थ है अ ट्रिपीजियम इज़ अ पैरलोग्राम सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि ट्रिपीजियम में सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ही पैरल होता है दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरल नहीं होता जबकि पैरलोग्राम के केस में दोनों पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरल होते हैं ठीक है सो देअर फोर ट्रपीजियम इज अ पेरलोलोग्राम दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स फिफ्थ स्टेटमेंट है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पेलेलोग्राम आर पैरल सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सो पैरलो ग्राम के केस में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरल होती हैं टू ईच अदर सो देरफॉर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर बाय